नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सुजीत, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया एक 1 BHK हाउस प्लान, ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है और प्लान की साइज 18 फीट बाय 21 फीट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पूरा पश्चिम लंबाई 21 फीट और उत्तर दक्षिण लंबाई 18 फीट है। 18 बाय 21 का ये 378 स्क्वायर फीट टोटल प्लान एरिया है हमारा। सामने ईस्ट फेस में हमने ये मेन एंट्रेंस डोर दिया है। जैसे अंदर आते सामने इस कॉर्नर पे, नॉर्थ ईस्ट कोने पे ये लिविंग एरिया प्लान किया है। लिविंग एरिया के अंदर से ही हमने एक सीढ़ी का भी प्रोविजन किया है। स्पाइरल स्टेयरकेस, आप ये जो कोने में देख रहे हैं ये स्पाइरल स्टेयरकेस है, गोलाई वाली सीढ़ी हम इसको बोलेंगे। तो ये है स्पाइरल स्टेयरकेस या फिर स्टेयर्स। कम स्पेस में ये स्पाइरल स्टेयरकेस काफ़ी फिजिबल है और इसका जो डायमीटर हमने रखा है वो 5 फीट है। इसकी जो गोलाई है ये 5 फीट रखी है। लिविंग एरिया की साइज रखी है हमने 10 फीट बाय 10 फीट, तो ये भी 10 फीट और ये भी 10 फीट। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे शो कर देता हूँ 10 फीट और ऐसे भी ये 10 फीट आएगी। उसके बाद यहाँ पे साउथ ईस्ट कॉर्नर पे ये किचन यूनिट प्लान किया है। किचन की साइज रखी है 10 फीट बाय 6 फीट 6 इंच, तो ये ऐसे 6 फीट 6 इंच इस डायरेक्शन में और ये 10 फीट इस डायरेक्शन में। किचन के साथ में लेफ्ट साइड में यहाँ पे साउथ फेस में ये कॉमन टॉयलेट बाथ दिया है CTB। साइज इसकी 5 फीट बाय 6 फीट 6 इंच है। तो ये होगा किचन, कॉमन टॉयलेट बाथ और लिविंग एरिया, ये स्पाइरल स्टेयरकेस। अभी यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कोने पे बेडरूम यूनिट है और इस बेडरूम के लिए हमने एक अटैच टॉयलेट बाथ का भी प्रोविजन किया है। बेडरूम की साइज हमने रखी है 9 फीट 6 इंच बाय 10 फीट और ये है एक अटैच टॉयलेट बाथ जिसकी साइज 4 फीट बाय 6 फीट 6 इंच है। तो 4 फीट ये ऐसे इसकी विड्थ हो गई, बाकी 9 फीट 6 इंच इस डायरेक्शन में और बाकी ये जो है यहाँ पे 10 फीट इस डायरेक्शन में। सिंपल सा प्लान है, एरिया काफ़ी कम है, तो इसके अंदर हमने ये 1 BHK यूनिट सेट किया है। मेन एंट्रेंस डोर यहाँ पे ये 3 फीट की ओपनिंग किचन और लिविंग एरिया के बीच में। बेडरूम के लिए यहाँ पे ये दरवाज़ा D1, कॉमन टॉयलेट बाथ के लिए ये D2, यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथ के लिए भी ये D2। तो इसमें जो भी डोर ओपनिंग्स है, मेन एंट्रेंस डोर ये भी 3 फीट का रहेगा, 3 फीट बाय 7 फीट 6 इंच। ये बेडरूम का दरवाज़ा D1 3 फीट बाय 7 फीट 6 इंच। D2 जो है टॉयलेट बाथ का जो दरवाज़ा है इसकी साइज़ 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट 6 इंच। 7 फीट 6 इंच ही हमारी लिंटल लेवल है। ये D2 भी 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट 6 इंच का। अभी 18 बाय 21 से जैसे मैंने बताया प्लान एरिया, अभी मैंने चारों साइड से विंडो ओपनिंग्स दिखाई है, खिड़कियाँ दिखाई है। तो अगर आपके पास 378 स्क्वायर फीट से थोड़ा सा बड़ा प्लॉट है तो इस केस में आप अब क्या कर सकते हैं, चारों बाजू से, चारों नहीं फ्रंट तो खुला ही है, तीनों बाजू से आप ओपनिंग मतलब एक साइड मार्जिन दे सकते हैं। और साइड मार्जिन का फ़ायदा ये होता है कि आप हर एक रूम के लिए फिर विंडो ओपनिंग्स दे सकते हैं हमारे प्रॉपर्टी के अंदर। तो इस तरीके से प्लानिंग है। ब्रिकवर्क की थिकनेस 6 इंच है, ये बाहर वाला ब्रिकवर्क 6 इंच थिकनेस का और ये अंदर वाला ब्रिकवर्क 6 इंच थिकनेस का। इसकी हम कॉस्टिंग निकालते हैं। एरिया तो मैंने बता दिया 378 स्क्वायर फीट। अब इसका एक बजट निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट कंस्ट्रक्शन बजट। तो 378 स्क्वायर फीट टोटल एरिया गुना एक बेसिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो उस केस में हमारा बजट आएगा, को बता देता हूँ कैलकुलेट करके, 378 गुना 1100, 415,800। तो इस तरीके से ये प्लानिंग और ये बजट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और ये प्लान। आपको प्लान कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में हमारे एक बढ़िया हाउस प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।